बहरोड में करीब 7 दिन पूर्व हुए 4.5 लाख रुपए के लूट के आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, जिसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश बरकरार है। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बहरोड पहुंचे और मंडी व्यापारियों से बात की। जितेंद्र सिंह ने वसुंधरा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म होने के आरोप लगाए। प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, प्रदेश में भाजपा सरकार फेल रही। बहरोड में हुई लूट मामले पर उन्होंने IG से बात करने की बात कही। ये दिन दिहाड़े लूट हो रही है, लोगों के ऊपर फायरिंग हो रही है, मारा जा रहा है, चेन खींच रहे हैं, बैंकों के सामने पैसा निकाला जा रहा है। तो ये एक तरह से बिल्कुल यहाँ की पुलिस प्रशासन और सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो अभी मैंने बात करी और उनसे कहा है कि आप 2-3 दिन के अंदर अंदर इनको आप पकड़िए, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती हम उच्च अधिकारियों से, DG साहब से और उनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी प्रेशर बनाएगी कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई हो। कार्रवाई के साथ साथ आगे इस तरह के क्राइम ना हो उसके ऊपर भी पुलिस जोर दे। क्या आमतौर पर क्या होता है कि पुलिस सिर्फ क्राइम होता है तो पकड़ लेती, तो वो कोई बहादुरी का काम नहीं होता पुलिस के लिए। क्राइम ना हो वो उनके लिए बहादुरी का काम होता है कि आगे क्राइम होने से पहले ही इस तरह के जो असामाजिक तत्व जो घूमते रहते हैं उसके बारे में आम तौर से पुलिस को मालूम रहता है कि कौन इस तरह के लोग हैं जो क्राइम करने वाले हैं या क्राइम कर सकते हैं, उनके ऊपर पहले ही।